पता नहीं आज मेरी छुट्टी करवा दे कमजोर लोग। मोटी हो गई है छोल भटूर के लाला। मैं जाना चाहता हूँ चलो। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, a new vlogs. I hope आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो अच्छा हूँ। और अब वीर बताएगा कहाँ जा रहा है। अभी एक सेकंड। एक सेकंड। Guys, बारिश हो रही है पता नहीं ये नहीं जानते आज मेरी छुट्टी करवा दे। ये नहीं जानते मतलब हल्की सी बारिश हो रही है तो वीर बोल रहा है ये नहीं है कि मेरी स्कूल की छुट्टी करा दे है। यही बोलना चाह रहा था गलती से बोल दिया। गलती से बोल दिया। हाँ। इधर आ रही है बारिश और हम जा रहे हैं वीर को स्कूल छोड़ने। हम इसकी छुट्टी नहीं कराएंगे क्योंकि घर पे ये करता है मस्ती करता है ना फिर करता हूँ। अगर तो मम्मी को परेशान नहीं करता तो मम्मी तेरी छुट्टी नहीं करा लेगी तो अब इसलिए हम इसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। भैया मम्मा को परेशान करते उधर बता गए इससे बोला जब तो मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। अब तो मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। मन नहीं है तेरा जाने का। अच्छा क्या क्या नहीं है तेरा स्कूल जाने का। नहीं गंदे बच्चे करते हैं ऐसे। वीरपाल को हम स्कूल छोड़ने जा रहे हैं हमें बारिश से कोई मतलब नहीं है। हमें वीर को स्कूल छोड़ने से मतलब है। चल एक एक चुम्मी दे दे। मैं दे रहा एक दे दे एक 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 मैं नहीं। अच्छा मतलब ऐसे मुंह भी आगे कर रहा दे भी नहीं रहा दे। चलो गाइस फिर वीर के स्कूल में जाके मिलते हैं। अभी हम मौसम हो रहा बहुत शानदार। वीर का हुआ पड़ा मूड ऑफ है ना। मूड ऑफ हुआ पड़ा इसलिए बोल नहीं पा रहा ढंग से कुछ भी मन नहीं कर रहा बोलने का। स्कूल जाना पड़ रहा है ना। स्कूल जाना पड़ रहा है ना। तेरी मैडम ने कुटवा गया मुझे। कैसे देख सारे बच्चे देख ये भी तो जा रहे बच्चे देख पहले देखिए देख इनको नहीं लग रही इनको देखिए तो बारिश में ऐसे जा रहे उल्लू बना रहा था बारिश में भीग जाऊंगा है ना। तो बेटा हमारे पास भी जुगाड़ है। चलो गए इसको फेंक के आते हैं हम स्कूल में ठीक है। इसको फेंक के आते हैं इसकी मैडम के पास। गाइस फिर मैं इन दोनों को भी फेंक दूंगा स्कूल में। ठीक है फेंक दी और अपने साथ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है चलो फिर इसके साथ हम पढ़ने के लिए जाते हैं। तो वीर जा रहा है स्कूल। मैं नहीं बोल रहा वीर नहीं देख रहा मैं जा रहा हूँ वापस। अच्छा लग रहा स्कूल जाना बता तो दे। ओए इधर देख के बता। तुझे जाना नहीं रोज रोज स्कूल। चलो इसका स्कूल आ गया इसको छोड़ आते हैं पहले हम। तो गाइस हम जा रहे हैं सबको ट्यूशन छोड़ने और अभी मैं भी बैठूंगा। चार बंदे पहले से ऑलरेडी अभी तो मैं चार बंदे नहीं है तीन है। हेलो गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीर ब्लॉग्स। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं ट्यूशन ट्यूशन तालिया मैडी ये देखो सी छोटी देखो तफा हो जिंदगी सब मेरी। ठीक है ना हटने तो गाइस देख लो अभी इनको ट्यूशन छोड़ने जा रहे हो। कौन कौन बैठा है कैसे बैठा है देखो। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं ट्यूशन। दोनों तो मस्त लेट रही है। और अब हम निकल चुके हैं ट्यूशन के। देखो धूप भी निकल लिया। अरे कहना क्या चाहते हो दो इनका ट्यूशन आ चुका है। जाओ अंदर जाओ जल्दी जाओ
चल तू आ जाता है, तू 5 बजे जाएगा जा। चलो बाय। तो मैं ट्यूशन नहीं जा रहा हूँ, मैं शाम को जाऊंगा। बाय। मेरा बाय चला गया। तो कैसे भी इन लोगों को ट्यूशन छोड़ के इतना परेशान कर दिया ना तीनों ने, मैं आपको दिखाया था। और अभी सोनिया जाने वाली है अपने घर पे। जी विशा सो रही है, अभी जाएगी अपने दादी के घर पे। और मैं भी निकलूंगा कल चंडीगढ़ के लिए। तो मैं दीदी से बोल रहा हूँ कि डुग्गू को भेज दो मेरे साथ, एक बार पूछ के देखता हूँ। भेजती हूँ अभी डुग्गू को ले जाऊँ चंडीगढ़। डुग्गू को ले जाऊँ मेरे साथ चंडीगढ़ एक। हाँ मेरी तरफ से तो हाँ है, इससे ही पूछ लो। डुग्गू बता, मैं जाना चाहता हूँ, चलो। रिएक्शन देख ले तेरे, तो जाना चाहता हूँ भाई। इतने बड़े तो हम भी नहीं हुए, बिना पूछे चले जाए तो। मम्मा ना तो कर दे, तो मना ले, तो मम्मा को मना ले एक हफ्ते के लिए। तो तेरी छुट्टी खत्म हो गई है ना, मैं एक हफ्ते बाद आ जाऊंगा, मुझे काम है उधर। चल दे यार, चल दे। मम्मी वही हुआ, बांस की डंडी, मतलब नॉर्मल डंडी भी नहीं रही, बांस की डंडी। जा वही ले आ, जिससे तेरी पिटाई होती है ना वही लेके। अभी तू जाएगा चंडीगढ़, भेजेंगे तुझे। पढ़ाई पढ़ाई इम्पोर्टेंट होती है। बस उधर उस पर ले जाता, उधर रेलवे मस्त बना लेते हम, लेकिन इसके स्कूल स्टार्ट हो गए। जब तक रहेंगी नहीं, मैं क्या करूँ, मैं खुद ही नहीं गया, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, क्या करे, दोबारा करियो, दोबारा करियो, कर बनेगा, उखाड़ो। नहीं कर, अब आप कर, क्या कर रहा। ये ब्यारी बोलते तो आप। तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए नहीं गया था ना मैं, इसलिए अब जा रहा हूँ। चलो गाइस, फिर हम कल निकलेंगे हम यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। आज सोनिया जाएगी, इसको भगाते हैं यहाँ से, बहुत दिन हो गए इसको यहाँ पे। बाकी चल तू से के रेडी हो, चल तू भी जा। तेरा बंद है, तू पूरा टाइम खाती रही डाइट डाइट इसकी। एक तो तेरी मोटी हो गई है, अब भी बोल रही है छोले भटूरे के लाला। इतनी मोटी होने के बाद भी इसके मतलब छोले भटूरे का असर रहेगी। तू उधर जाएगा ना, डाइट स्टार्ट कर दियो अपनी, ठीक है। पिज्जा मैंने उसको बोला था कल पिज्जा खाने, चल चली नहीं है। चलो गाइस देखते हैं सोनिया को, आज का रोकने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं छत पर रील शूट करने, अन्ना उधर कर रही है रील शूट, और चांद की वजह से हम आए हैं इधर। चांद निकला पड़ा उधर, चांद की वजह से आए हैं रील शूट करने। ये तो भाई कलाकार आदमी क्या कर सकते हैं। चांद का चांद। ओ अन्ना एक आइडिया। गाय चांद इधर है। तो वैसे इधर अभी हम चांद की वजह से ऊपर आए रील शूट करने के लिए। ये रहा हमारा सेटअप, और नीचे से ऊपर तक सामने से शूट करता हूँ। अन्ना की एक्टिंग दिखाता हूँ। तो गाइस आपको अन्ना की एक्टिंग देखने को मिलेगी आज। कलाकार साहब जिन्होंने मुझे भी कलाकार बनाया, इस बहम की दुनिया से बाहर लाया, तो उनके लिए एक लाइक बनता है। बनाई नहीं ना, चलो ठीक है। तो गाइस मैं भी रील शूट कर लेता हूँ, अन्ना व्लॉग शूट करेंगी। अन्ना लोग ये तेरी कर लो, तू ही कर ले, मेरे पे नहीं हो रही एक्टिंग। व्लॉग चल रहा सामने, ये हमारा चांद। मेरा चांद कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। मेरा चांद मर गया, वो रहा मेरा चांद। मेरा चांद है मेरी मम्मा, मेरी चांद नीचे बैठ गई पर। तो तेरा चांद जो डंडे मारेगा ना तेरे, तो पता चलेगी। तो गाइस अभी हम बना रहे हैं ऊपर रील, बहुत मजा आ रहा है रील बनाने में, क्योंकि एकदम अंधेरा हो रहा है और ऊपर चांद और ये छत का व्यू, उधर सनसेट हो चुका है। हो गया तो ऐसी करियो, हाँ चलो ऐसे हम रील शूट कर लेते हैं, आप लोगों से मिलते हैं हम बाद में। कौन से गाने बनाएगा, करना अखियां गलियां पगलियां मगरियां चोगलां बोला वेख दे नहीं वेख
हाय कोई अपना ही जिंदगी विच झर घुलेगा तेरे मेरे इश्क दे उत्थे दुनिया थुकेगी पहाके पसीना तू कितने गंदी आवाज है सलीना करीना के तेरे पीछे आंदे होया महीना तू ना का दी बच्ची है काकू दी बनके सपेरा बजाऊंदा मैं बीना तेरी बीन बजाऊंगा मैं। मेरी रील वैसे बन चुकी है, अब दुगू की रहेगी, अब ट्राई कर लेते हैं। तू करना मम्मी पापा फिल्टर कौन सा लगा। चल तू बना ले फिर व्लॉग रख दो, बाद में बनाएंगे ठीक है। गाइस वीरपाल फिर से रेडी हो चुका है बाहर जाने के लिए। कहाँ जा रहा है आज? कबड़ी चल डोमिनोज का पिज्जा खाने। डोमिनोज का पिज्जा खाने किस खुशी में? आज किस खुशी में? आज क्या खुशी है? इसलिए मुझे दबाए मैं शानी मेरा दिमाग से क्या। तो आज हम जा रहे हैं सोनिया के जाने की खुशी में पिज्जा खाने। सोनिया मैं चला जाऊंगा ना, इस खुशी में जा रहे हैं हम। ओ दीदी श्री लगा रही है लॉक। चल बोल गाइस मिलते हैं आप लोगों को उधर जाके। तो गाइस डुक्कू फिर से आ गया है चैलेंज करने के लिए। करा तू तेरा चैलेंज इतने सारे पिज्जा के साथ? हाँ करा तू। इसके बाद ये आज तक कभी नहीं बोलेगा पिज्जा चैलेंज, मतलब किसी भी चैलेंज के लिए, क्योंकि जो उसकी हालत हुई थी ना। कर लो पिज्जा चैलेंज पक्का? हाँ देख ले इसके धरना कुछ होएगा जल्दी। तू और मैं करें साथ में पिज्जा चैलेंज। सोने तू करे, तू और मैं करें पक्का? रहन दो सारे बीमार हो जाओगे। अभी हमारी हो चुकी है पार्टी स्टार्ट। बाकी खाने का शूट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि डुक्कू बहुत गंदे तरीके से खाता है। बेचारे गाइस वीर के बुआ के लड़के रोज सुन सुन कर परेशान हो गए हैं। ये चैलेंज करें पिज्जा चैलेंज करें पिज्जा चैलेंज करें खाई नहीं सच्ची में। वाह यार मैं कब हुआ ऐसे कि मैं मतलब मेरे सामने पिज्जा रहेगा और मैं कंट्रोल कर पाऊंगा? कब होगा ऐसा? ऐसा दिन आएगा भी नहीं आएगा पता नहीं। पूरे परिवार में पापा हैं सिर्फ मेरे, मुझे तो लगता नहीं मैं ऐसे कभी कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बोलूंगा जिंदगी मस्त जियो। हम खा लेते हैं बाकी सारी फैमिली आएगी, बाकी भी खा लेते हैं। बाकी भैया वो खाने के लिए जग गए, हमारा जीबू भी जग गया है पिज्जा खाने। मैं ब्लॉग को ये पैन करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।